आज हम बनाएंगे उत्तराखंड के स्पेशल अरबी पत्ते के पतोड़। यह रेसिपी मैंने अपनी फ्रेंड शशि से सीखी है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप अपने चैनल कुकिंग विद अमृता को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पतोड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए एक बाउल में 1 कप बेसन, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 छोटी चम्मच नमक, 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल दें। आप चाहें तो इसमें लहसुन और मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं, मैंने लहसुन मिर्च का प्रयोग नहीं किया है। अब 1 कप पानी लें, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम बैटर बनाएंगे। बैटर हमें तीखी चाहिए। बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बनाएं। बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है, हमारा बैटर बनके तैयार है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। इसमें 1/2 कप से भी कम पानी लगा है। पतोर बनाने के लिए अब हम अरबी पत्ते का रोल बनाएंगे। इसके लिए मैंने 6 अरबी के पत्ते लिए हैं। अरबी पत्ते को अच्छे से धो लें। अब इसके डंठल वाले पार्ट को कट करके हटा दें। ट्रेडिशनली इन डंठलों को सिलबट्टे से या किसी भारी तले के बर्तन से कूट कर दबा दिया जाता है, ताकि जब अरबी पत्ते का रोल बनाएं तो रोल बनाते समय अरबी के पत्ते फटे नहीं। एक एक करके हम सारे पत्ते के मोटे वाले डंठल को कट करके हटा लेंगे। सभी पत्तों के मोटे वाले डंठल हटाने के बाद अब हम इसका रोल बनाएंगे। रोल बनाने के लिए सबसे बड़े वाले अरबी पत्ते को सबसे नीचे लगाएं। पत्तों में उल्टे साइड से इसमें बेसन लगाएं, इससे ही ज़्यादा अच्छे चिपकते हैं। बेसन को पूरे पत्ते पे अच्छे से फैला दें, जैसा वीडियो में देख रहे हैं। एक पत्ते पर बेसन की लेयर पूरी तरह से फैलाने के बाद अब इसके ऊपर दूसरे पत्ते को डालें। दूसरे पत्ते को डालने के बाद इसके ऊपर भी बेसन की लेयर पूरी फैला दें। इसी तरह से एक एक करके हम सारे पत्तों की एक एक करके लेयर लगा लेंगे। मैंने टोटल 6 पत्ते यूज़ किए हैं। अरबी के सारे पत्तों पर बेसन का घोल लगाने के बाद अब हम इसका रोल बनाएंगे। वीडियो में दिखाए गए तरीके से फोल्ड करके इसका रोल बना लें। रोल बनाते समय ये आपस में अच्छे से चिपके, इसलिए जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बेसन का हल्का घोल लगा दें। रोल बनके तैयार है, अब हम इसको स्टीम करेंगे। आप पूरे रोल को भी स्टीम कर सकते हैं, मैंने इसे बीच से कट कर दिया है। स्टीम करने के लिए मैंने इसका प्रयोग किया है। इसमें दोनों रोल को रख देंगे। अब एक पतीले में पानी को गर्म करें। पानी में उबाल आने के बाद इसमें अरबी पत्ते वाले स्टैंड को डाल दें। पानी इतना ही डालें कि ये स्टीमर से नीचे हो, पानी अरबी पत्ते को टच ना करे। अब इसे ढककर मीडियम फ्लेम गैस पे 10 मिनट के लिए कुक करें। 10 मिनट में ये कुक हो जाते हैं। 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर नाइफ से एक बार चेक कर लें। नाइफ अगर क्लीन आ रहा है, इसका मतलब ये कुक हो गया है। गैस का फ्लेम बंद कर दें और अरबी पत्ते को निकाल कर साइड रख दें। इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने दें। 10 मिनट के बाद इसका टेम्परेचर कम होने पर इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। आपको जितनी थिकनेस की पीसेस चाहिए उस हिसाब से कट कर लें। मैंने इसे 1/2 सेंटीमीटर के साइज़ में कट किया है। सबको कट करके साइड कर दें। अब पतोर बनाने के लिए हम तड़का लगाएंगे। इसके लिए चौड़े तले वाले पैन में 2 बड़े चम्मच तेल को गर्म करें। तेल के गर्म होने पर इसे पैन में चारों तरफ फैला दें, जिससे कि पतोर तले से चिपके नहीं। तेल के गर्म होने पर इसमें 1/4 छोटी चम्मच जखिया और 1/4 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल डाल दें। जखिया उत्तराखंड में तड़के में इस्तेमाल किया जाता है। अभी इसमें 2 पिंच हींग डाल दें। सबको 30 से 40 सेकेंड के लिए तड़कने दें। तिल का कलर चेंज होने पर इसमें उबाल कर कट करके रखे हुए अरबी के पत्तों को डाल दें। जिधर से हमने कट किया है उसी तरफ से अरबी पत्तों को डालें, जैसा वीडियो में आप देख रहे हैं। पैन में जितने अरबी के पत्ते आ सके डाल दें। चौड़े तले वाले पैन को यूज़ करने पर इसमें एक बार में ही सारे पत्ते आ जाते हैं।
गैस का फ्लेम मीडियम है। सारे पत्तों को डालने के बाद इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दें। 2 मिनट के बाद इसे पलट लें। ये उबाले हुए हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, इसे हम ज़्यादा नहीं पलटेंगे। जब एक पत्तों को पलटें तो ध्यान दें ये गोल्डन कलर के हुए हैं या नहीं। इन्हें गोल्डन कलर के होने के बाद ही पलटें। पत्तों गोल्डन कलर के हो गए हैं, सबको पलटते हैं। पलटने के बाद इसे वापस से 2 मिनट के लिए सेकें। इन्हें हमें दोनों तरफ से गोल्डन कलर होने तक सेकना है। इसे दूसरी तरफ से भी गोल्डन कलर का होने तक सेक लें। हमारे पतोर बनके तैयार हैं। ये चाय के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं। अरवी पत्ते के स्नैक्स को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें।